आप सबके लिए और खुद के लिए तो है ही, आप सबके लिए एक बैड न्यूज़ है। सुभाष जो अपनी निंजा है ना 300 वॉट वो सीज मार गई इंजन, मेरे को नहीं पता कैसे। अभी पिछले रिपेयर कराया भाई, 1 लाख समथिंग की बाइक में रिपेयरिंग हुई है, तो थोड़ी दिन हुए थे, 2 हफ्ते हुए, उसके बाद ये सीन हो गया। सो फाइनली गाइस देख रहे हो भाई किस तरह यार हम मतलब ये बाइक को लेके जा रहे हैं यार। चलो भाई इसे TRC धक्का लग नहीं रहा था। Hey guys, welcome back to my channel, दानिक रायपुर। गाइस होप सब ठीक हो गया, ठीक ही रहने चाहिए। सो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो गाइस, वाह 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 भाई, मास्क देखो भाई कहाँ लगाया हुआ है। सो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई हमारे घर के बाहर से, और गाइस खतरनाक देख रहे हो भाई, आप आ चुके हैं जम्मू, आपने व्लॉग तो देख ही लिया होगा। सो गाइस ये लगी गाइस अपनी बीस्ट, देख रहे हो भाई खतरनाक क्या लुक आ रही है भाई, ऊपर से कोई वॉश कराइए गल, तो चलो गाइस करते हैं इसको कूल स्टार्ट। गाइस ऊपर एग्जॉस्ट लाया है भाई, भाई चीज़ को मैं सबसे मिस कर रहा था, ये देखो भाई देख रहे हो यार खतरनाक। तो कैसे भी जानू को कॉल आया तो अभी जा रहा हूँ जानू के पास। सो गाइस आई थिंक जानू का टायर भी खत्म हो चुका है, इसने वो डालना है, पहले सिंपल सी राइड मारेंगे। सो गाइस एक और बात इस व्लॉग में दिखाना था, जो मैं अभी आपको रिवील नहीं करूँगा इस व्लॉग में, तो गाइस जानू ने बनाई है अपने लिए एक नंबर प्लेट, समझ लो गाइस उस नंबर प्लेट की प्राइस है 3 लाख रुपये, गाइस वो RTO में रजिस्टर है, तो गाइस वो आपको जब दिखाई देगी तो गाइस फिर पता चलेगा आपको, बाकी बात चेक करो आप। ओ गाइस चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे निकलते जाने के बस, तो सीधे मिलता हूँ आपको जाने के घर के बाहर। तो फाइनली गाइस अभी निकल ही रहा था यार, मतलब मैं थोड़ा आगे 4th ब्रिज तक गया था, जाने के घर जा ही रहा था, तो गाइस वहाँ पर क्या सीन हो गया वहाँ से यार, मतलब बाइक का मतलब एक जो थ्रॉटल की तार होती है ना, जो गाइस स्टोर मैंने कल कराई थी, कैसे एक निकली गई है, तो तुम्हारे बाइक कैसे फर्स्ट गियर जाता है 64, कैसे यार 32 गई जैसी वो कर रही है ना, क्या बोलते हैं यार वाइब्रेट कर रही, तो अभी TRC को बुलाया मैंने, आ रहा हूँ चुकी मेरी बाइक बिल्कुल नहीं चल रही, तो अभी मैंने शोरूम को भी कॉल किया, कहता कोई चक्कर नहीं भाई, देखो बाइक के लिए ना वो बंदा जब मर्जी से कॉल करो हमारे लिए यार, जब मर्जी आस्था हमारे लिए नहीं हमारे लिए, जब मर्जी आप बोलोगे ना यार वो बंदा इतना अच्छा। तो मैं सोचो मेरा भी कल पेपर है यार साथ में, थोड़ा मैंने कहीं बड़ा जरूरी काम जाना सुबह, उसके बाद पेपर देने जाना, तो अब मैंने TRC को बुलाया तो आता था, इसको देखते हैं वो चक्कर, TRC आ गया हुआ, क्या हाल है, ठीक है, वो बाइक का सीन हो गया यार, यार मैं जा रहा जाने के पास, तो यार उधर क्या वो बाइक चला रहा था, वही जो टॉप स्पीड खींचती है, पहला गियर खींचा 64 चलेगी, दूसरे गियर में जैसे मैं दूसरे गियर खींचा ना एक खड़क की आवाज़ आई, फिर जैसे रही छोड़ी जुकदम भाई रुकी यार बिना ब्रेक के, वायर निकल गई है, मैंने किया शोरूम का फोन, खड़क खड़क की आवाज़ आई थी, वही जो कल ठीक रही ना स्लिप हो गया है, क्योंकि कल मोबाइल ज़्यादा लगा दिया। तो फाइनली गए यार अभी थोड़ा सा सीन हो चुका है यार भाई, मतलब बाइक को पता नहीं क्या हो गया, तो भाई आई थिंक इसमें इंजन ऑयल कम हो गया, उसकी वजह से ना थोड़ा सीन पड़ गया यार, मेरे को लग रहा है इस बाइक में इंजन सीज मार गया। तो भाई देख रहे हो भाई रात को, मतलब अभी सुबह मेरा पेपर है, रात को बाइक छोड़ने ना यार कहाँ सा की उधर जाना पड़ रहा है, देखो यार मतलब क्या किस्मत है, मैं क्या बोलूँ यार भाई, मेरे को ये डर लग रहा है, चूँकि अगर इसका इंजन, अगर इसका इंजन उड़ा होगा ना भाई 1 लाख 1.5 लाख कहीं नहीं गया, और वो इंश्योरेंस में भी ना था, उसका ये खतरा है, बाकी मेरे को उसी की प्रॉब्लम है यार, मैं तो कह रहा हूँ यार ऊपर लगा रहे, मतलब नहीं हो कुछ यार, बाकी यार वो नहीं बैठ बैठा भाई, अभी तो यार काम कराया था लद्दाख राइड मारी, सर्विस करा के गया था, मेरे को नहीं पता गाइस इंजन ऑयल इसमें है नहीं है, तो गाइस अभी मैंने मैकेनिक को बोला भाई अपने को, यार वो कह रहा भाई बड़ी ब्रह्मा फैक्ट्री इसको पहुँचा दे, देख रहा भाई धक्का TRC धक्का लगा रहा पीछे, वो देखो कहीं डर लग रहा है यार, झूठ की बोलूँगा पहली बार तुम्हारे को डर लगा यार, चूँकि यार बाइक पर कुछ होना यार सीधा डर लगता है यार, बाकी गाइस चक्कर बताते हैं वो क्या है। फाइनली गाइस देख रहे हो भाई किस तरह यार हम मतलब ये बाइक को लेकर जा रहे हैं यार, चूँ भाई इसे TRC धक्का लग नहीं रहा था, तो गाइस तुम्हारा बाइक तभी धक्का लगा रहा है भाई, गाइस लोड कैरियर वाले को कॉल किया था यार, उसने भाई फोन नहीं उठाया साथ में, सुबह तुम्हारे भाई को ना यही पता चला था यार, जब मैं जानू घर से आ रहा था बाइक में कुछ हो चुकी गड़बड़, होप का कुछ हुआ ना हो यार, इसी डर है चलो गाइस देखते हैं भाई निकलते आगे यार, बाकी डर ही लग रहा है यार, चूँकि कल पेपर भी है यार भाई, मेन काम है भाई बड़ा जुड़ी यार, वो मिस किया तो भाई सीन हो सकता है। सो फाइनली देख रहे हो भाई क्या हमने भाई अंदाज़ा लगाया, ये रस्सी वगैरह भाई किसी के भाई दुपट्टा वगैरह पड़ा था, क्योंकि ऐसे भाई पहुंच नहीं रही थी, लोड कैरियर वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ रह गया, तो यहाँ वगैरह से खोली, तो चलो भाई लेके चलते हैं अब, इसके पीछे बैठ, तो उसके पीछे बैठ हो जाएगा शायद, हो जाएगा ना, सो भाई देखते हैं भाई होप हो जाए यार, चूँकि यार आस्ता 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 करना भाई, मेरे को मेन सीन लग रहा है बस यार, एक ही डर है इंजन सीज ना होना चाहिए यार, होएगा तो नहीं पता नहीं यार, वास कर रहा वो तो भाई इसने पकड़ी रखी है एक रस्सी एक्स्ट्रा, अगर बीच में कभी टूट जाए तो भाई जुगाड़ पूरा किया हुआ है, तो भाई रात को भाई सुबह क्या 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 कह रहा है। सो भाई अभी आ चुके हैं गांधीनगर,
तो देख रहे हो भाई इस गाने तो पहुंच चुके हैं गाइस, कैसे जानी पड़ रही है यार, दुख भी बहुत हो रहा है लेकिन भाई लेनी तो है, क्योंकि यार अभी तुम्हारा आज संडे था गाइस, संडे को ये चक्कर हुआ, संडे को भाई कहाँ जाके गाइस, संडे को यार मतलब ऑफ होता है यार, जैसे कि आपको पता है सब छुट्टी भी गए थे, लेकिन भाई स्पेशल बेरली भाई अपना फील भाई है ना, उसने कॉल किया कहता कोई नहीं भाई छोड़ जा यार, भाई यही होता है अपने भाई लोग होते ना यार, फुल सपोर्ट उन्हीं की तरफ से है, तो चलो भाई चलते हैं अगर आप देखते हैं। सो फाइनली जब मैंने बाइक पहुँचा दिया भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई, बस मेरे को एक ही टेंशन है यार, मतलब बाइक का जो इंजन है क्रैंक पे इफेक्ट ना पड़ा, क्योंकि भाई वो कम से कम 50-60 हज़ार के, और भाई वो इंश्योरेंस में भी नहीं आती है, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है यार, फिर मेरे को क्या बाइक बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो भाई सर्विस कराई थी यार टूर से जाने से पहले, तो उसने आज ही की, तो आज ही की, तो भाई तुम्हारा भाई टाइम कितना हो रहा है अभी, तो देखो भाई रातों रात बाइक ले आ चुकी है भाई, रिस्क नहीं लेना यार, थोड़ा एक्सपेंसिव काम आया था, तो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से सीधा अगला नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे सुबह, अगर चूंकि तुम्हारे भाई ने सुबह कहीं जाना तो पेपर है, तो गाइस शायद मेरे को लगता है मैं आ पाऊंगा, लेकिन फुल ट्राई करूंगा मैं 10, 11 या 12 से 1 के बीच में आ जाऊँ, तो चलो गाइस निकलते हैं फिर मिलते हैं आपको सीधा सुबह। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रनिंग राइडर, गाइस होप सब ठीक हो गया, ठीक रहना चाहिए। तो फाइनली गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो, जैसे कि देखते भाई जानू घर पर आया था, सो भाई बाय द वे मेरा था भाई आज पेपर, तो इस बार भाई पेपर देने गया था भाई, एक आप सबके लिए और खुद के लिए तो है ही, आप सबके लिए एक बैड न्यूज़ है, सो भाई जो अपनी निंजा है ना 300 वो सीज मार गई इंजन, मेरे को नहीं पता कैसे, क्योंकि राइड से पहले मैं मतलब यार एक वो लगा के गया था, इन सर्विस करवा के गया था, बस पता नहीं कल ही मेरी बाइक सीज मारी और मैं कंपनी छोड़ी है भाई, उसमें कम से कम भाई 50 से 60 थाउजेंड रुपीज़ खर्चा आएगा, और भाई जस्ट मतलब सबको पता ही होगा इंश्योरेंस में इंजन नहीं आता, तो गाइस अभी 10 या 12 दिन गाइस बंद रहेगी, पता नहीं किस बात पे गाइस दुख ठीक होता नहीं, गाइस ओवर आने लग जाते हैं गाइस, एक चलो यार क्या छोड़ो देखते हैं गाइस क्या सीन है, बाकी ऐसे आप सपोर्ट दिखाओ, तो थोड़े व्लॉग में गाइस आपको दिखाते रहूँगा, आपको मैं बता रहा हूँ चूँकि इंजन चीज मारा है, पता नहीं कैसे क्रैंक्स वगैरह सब उड़ गई है, क्या बोलूँ गाइस मैं आपको, इतना दुख हो रहा है यार, अभी पिछले रिपेयर कराया भाई 1 लाख समथिंग की बाइक में रिपेयरिंग हुई है, तो थोड़ी दिन हुए थे भाई 2 हफ्ते हुए, उसके बाद ये सीन हो गया, मेरे को लगता है ये सीन बाइक अपने पास रहेगी, तो आई थिंक मैं इस बाइक को भेज दूँ तो दूसरी को उठा लूँगा यार, चूँकि यार भाई बहुत इसके मतलब पार्ट्स इतने एक्सपेंसिव है ना, मतलब इंजन होता तो नहीं है सीज गियर, इंजन ऑयल पता नहीं कैसे बर्न हो गया, फुल सर्विस करा के मैं 1200-1300 किलोमीटर भाई, इतना तो मतलब पता है होता तो नहीं है, पता नहीं कैसे आई थिंक लीकेज होगी जो होगी भाई, क्रैंक्स वगैरह सब उड़ गई है, मेरे को अभी कंपनी से कॉल आया भाई निखिल अपना काम करने, फिर भाई को कॉल किया था कि तो भाई ये सीन हो चुका है, तो भाई क्या करना है, तो अब भाई देखता हूँ यार इसको डलवा दूंगा जी, नहीं तो फोन कर पाऊँगा डला लूँगा, नहीं तो भाई इसको क्या बोलते सेल कर दूँगा, यही हो सकता है, तो बस यार गाइस आज का व्लॉग नहीं था ये खाली आपको बताने के लिए, मतलब एक बहुत ही यार एक एक्सप्लेनेशन दी मैंने, मतलब ये हो सकता है, तो भाई थोड़ी देर अगर व्लॉग नहीं है तो कर लेना, आई थिंक मैं जानू की बाइक का ड्यूप में उससे वो ले लूँ उससे बनाने के लिए व्लॉग, तो क्या बोल सकते हैं स्पोर्ट दिखाओ यार, बाकी है आप देखते हैं क्या सीन है, ओके भाई।